the league, but who is Ganesh Shetty? Kelkar sir! बंद करा तो ना बंद करा तो चेहरे पे आ रहे विनायक सर प्रोजेक्शन ऑफ ज्वाला ज्वाला सर आपका नाम क्या है ऐश्वर्या सुर्वे स्वाति एज वेल शिखा प्लीज कम डोंट हेजिटेट परी ये बैकग्राउंड बंद करिए ही सेड यस प्लीज प्लीज गेट शिफ्टेड बिट यस वी आर हैविंग टू गेस्ट विद अस मिस्टर रविंद्र अरोरा Then Vinod ji, sir, this location is gained by whom? The location IMPA, that is Indian Motion Pictures Association. हमें दीपक कदमिया सर की वजह से मिला है. Sir, do not hesitate. Sir, do not hesitate. Sir, मनोज दादा फिर हमारे सबसे बढ़िया हमारे क्रिएटर अभिजीत सारी चीजें बहुत अच्छी तरीके से इन्होंने क्रिएट की है और शूटिंग तो आपको देखने की जरूरत ही नहीं है आप अभी देखेंगे तो आपको खुद ही पता चलेगा आप फिल्म देखेंगे ना दूसरा सवाल इनको पूछना हाँ हाँ एक्चुअली नया है इंडस्ट्री में मगर टीम वर्क हमारा अच्छा था any challenges that you have faced उनका प्रॉब्लम बहुत अच्छा लगा ऐसा कुछ सोचा नहीं था बन गया रेको क्योंकि नहीं इनका सवाल ये था कि थोड़े से पैसे कम थे या फिर नहीं नहीं पैसे बहुत है पैसों की कोई कमी नहीं है चार दिन में नहीं कुछ अलग करने की कोशिश में हमने वो कर दिया तो हो गया चार दिन में जैसे किसी के साथ कंपटीशन रखा गया था कि हमें इतनी जल्दी बनाना है नहीं ऐसा कुछ था नहीं अभी जो फिल्म बना रहे उनकी कंपटीशन हमसे है हमने किसी से कंपटीशन नहीं किया हिंदी में कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं आई इनको डायलॉग बोलने में या कुछ इस तरह का नहीं नहीं हुआ नहीं है ऐसा 15-20 साल से है यहाँ पे ही है ना और हमारे डायरेक्टर साहब जो है ना वो बहुत होशियार आदमी हैं उन्होंने उनको बराबर परफेक्ट मतलब कहते ना तुम आप यही कीजिए आप यही लीजिए आप यही बोलिए वो एकदम परफेक्ट मीटर में बैठ गया हाँ हमारे क्रिएटर जी हैं हमारे मनोज जी है होशियार लोग हैं सब तो उनको पता है कि किसका क्या कैपेसिटी है मैं मुझे उतना ही बोला गया था जितना मैं कर सकता हूँ हर आर्टिस्ट को एकदम कहते ना वो मीटर में बैठता ना वो हर चीज़ मीटर वैसे कास्टिंग आप मतलब फिल्म देखने के बाद आपको पता चली जाएगा
कि कास्टिंग इतनी परफेक्ट है, आपको ऐसा लगेगा नहीं अरे ये आदमी ने ये रोल करना चाहिए था, वो आदमी ने ये रोल करना चाहिए था, इतनी परफेक्ट। कास्टिंग डायरेक्टर ने कास्ट किया या फिर आप लोगों ने खुद ही चुना कि नहीं इसमें ये परफेक्ट बैठ जाएगा? नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। टीम ने मिलकर कास्ट किया। कास्टिंग के लिए काफी लोग इन्वॉल्व थे, हर किसी ने हर अलग अलग कैरेक्टर के लिए कास्टिंग किया है। किसी का रिकॉर्ड ब्रेक करने का इंटेंशन था या फिर बजट लो था, वैसी बात नहीं है। हमारे डायरेक्टर्स और शेड्यूलर्स जो कोई भी थे, उन्होंने इतनी अच्छी तरह प्लान किया हर एक एक्टर की अवेलेबिलिटी के हिसाब से, और फॉर्चुनेटली कास्टिंग इतना एप्ट था कि जिसकी वजह से टेक्स कम लगे, टाइम कम कंज्यूम हुआ, 4 दिन में हो गया, जो हमको भी एक्सपेक्टेड नहीं था। हाँ, इतनी फास्ट हो गया, इसलिए वो रिकॉर्ड बन गया। और हमको बाद में पता चला कि गिनीज और लिम्का में ऐसा कोई रजिस्टर्ड फिल्म है नहीं अभी तक जितना फास्ट बना हुआ है। अराउंड 19 शॉट्स अ डे, 19 सीन्स अ डे, नॉट इवन शॉट्स अ डे, और टोटल 50 सीन्स द एंटायर फिल्म हैज, 52 सीन्स द एंटायर फिल्म हैज। तो ये सबसे फास्ट पेस्ट काम रहा हम लोगों का। रात को हमने बहुत देर तक करते रहे सर। व्हाट वाज द लास्ट टाइम? अराउंड 4 एएम ना, 4 एएम टाइम वी लेफ्ट द प्लेस एट 4 एएम मैक्स। चलिए, आपने बताया कि 20 साल का सपना था आपका। जी जी सर। तो क्या चीज 20 साल पहले हुई थी कि आपको लगा कि ये फिल्म बनानी चाहिए या मुझे एक्ट करना चाहिए? नहीं, एक्चुअली मेरे को पिक्चर देखने का बहुत आदत था। वो पिक्चर देख देख के मेरे को भी ऐसा लगा हीरो बनना है। हाँ, वो तो उसके लिए मैं बॉम्बे आया। हाँ, किसी को देख के ऐसा लगा आपको? नहीं, देख के नहीं, मतलब मूवी देखता था ना, उसमें स्टार लोग को देखता था, मेरे को भी ऐसा लगा मेरे को भी बनना है। तो एक साथ काम करके ऐसा रहा सर एक्सपीरियंस? हमारा टीम वर्क अच्छा था, काम के लिए कोई तकलीफ नहीं हुआ और सब जोश से काम किया। लोकेशन की बात की जाए तो कौन सी लोकेशन पे शूट किया गया था? बंगलो है जिसमें हमने शूट किया है। रास्ता है जो 5 किलोमीटर तक कोई नहीं दिखता, फिर बहुत बहुत ब्यूटीफुल लोकेशन है, लोकेशन बहुत अच्छा है। कब तक फिल्म रिलीज कर रहे हैं डायरेक्टर? मेरा ये रोल एक विलेन का है जो कि रोनित रॉय है। जस्ट वोट अपोजिट टू रुद्रा सर, रुद्रा के पूरे अपोजिट है हम, और गणेश शेट्टी के साथ में, गणेश शेट्टी और हम एक बिजनेस पार्टनर बन के, तो एंड विथ अपने विक्की दादा, ये तीनों का जैसे विक्की दादा इनके भाई है छोटे, हम इनके बिजनेस पार्टनर हैं, और इनके खिलाफ जो भी हम लोग कुछ कर रहे हैं जो इनके अपोजिट में है, ताकि इनके और हमारे काम के दरमियान कुछ अलग है, तो बस अपोजिट है। बाकी आपका फिल्म देखने के बाद पता चली जाएगा। हाँ, ये आखिरी लाइन बोल देंगे जी। ऐसा तो सोचा नहीं मैं, एक्टर को देख के कुछ अपने का ऐसा मन में आया था एक्टिंग करना है, एक्टिंग क्लास ज्वाइन नहीं किया। तो ज्यादा फिल्में देखी आपने 20 साल में? बहुत फिल्म देखा। उससे कुछ आपने एक्टिंग का अनुभव लिया कि मैं? नहीं, ऐसा कुछ किससे भी एक्सपीरियंस नहीं लिया मैं देख के, मगर मेरे मन में था मेरे को कुछ बनने का, हीरो बनने का। मान लीजिए ऐसी आई नहीं तो बुराई को सीखते होंगे ना कि ये नहीं करना चाहिए? बुराई तो नहीं सीखा मैं, अच्छा ही सीखा। वाह वाह। कौन से एक्टर की फिल्में ज्यादा देखी आपने इन 20 सालों? सबका देखता है, संजय दत्त, अजय देवगन, सलमान खान। तो सर इसमें से आप फैन किसके हैं? किसका भी नहीं। वाह, वेरी ऑनेस्ट, वेरी ऑनेस्ट। क्या प्लानिंग आगे? हम लोग बड़ा मूवी बनाएंगे, बड़ा पर्दे पे, यही आर्टिस्ट लेके। अच्छा, एक्चुअली एक बात सही है, या एक्चुअली एक बात सही है कि ज़्यादा महाराष्ट्रीय मराठी थिएटर मैंने किया हुआ है इससे पहले, कमर्शियल और एक्सपेरिमेंटल दोनों, और कुछ कमर्शियल और रीजनल फिल्म्स भी किए हुए हैं, उसमें से कुछ FTII के फिल्म्स भी रहे हैं, पर शॉर्ट फिल्म रहे हैं। पर एक बात ज़रूर बताना चाहूँगी, ऑल थैंक्स टू माय मदर,
मेरी माँ एक कन्नड़िका है, खुद कर्नाटका से बिलोंग करती है, घर में कन्नड़ा सुनती हुई बड़ी हुई हूँ, इसलिए भले स्क्रिप्ट ना पढ़ पाऊँ पर अगर स्क्रिप्ट देवनागरी में आती है तो मैं कन्नड़ा बोल सकती हूँ। इसलिए पूरी फिल्म में काफ़ी बार मैंने कन्नड़ वर्ड्स यूज़ किए हैं, वो डायलेक्ट बचपन से है मुझ में, तो इसलिए ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं गया साउथ इंडियन कल्चर अडाप्ट करना, क्योंकि मैं हाफ साउथ इंडियन हूँ हाफ महाराष्ट्रियन होने के साथ। सो दैट्स द आंसर टू इट। लोगों से हम जानना चाहते हैं कि आपने इस फिल्म को डायरेक्ट किया, डर लगा आपको या घबराहट हुई कि प्रोड्यूसर डायरेक्टर की है तो डर लग सकता है, तो ऐसा कुछ रहा? कंफर्ट कितना महसूस किया आपने थिएटर किया है और उन्होंने कोई एक्सपीरियंस नहीं लिया था डायरेक्ट? वेरी गुड क्वेश्चन। एक्चुअली सच में बोलूं तो डर मुझे नहीं ज्यादा लगा, उनको ज्यादा लगा। यस बराबर है ना। सो फिर उन्होंने बोला कि मैं प्रोड्यूसर हूं तो समझ गया। नो नो ऑनेस्टली आधी फिल्म होने तक मुझे पता नहीं था कि प्रोडक्शन हाउस इन्हीं का है, ऑनेस्टली स्पीकिंग। और अगर प्रोडक्शन होता भी उनका या ना भी होता उनका, उससे मेरा परफॉर्मेंस से लेना देना नहीं, बिकॉज आई एम एन आर्टिस्ट एट द एंड ऑफ द डे। किसकी प्रोडक्शन है, किसकी डायरेक्शन है, इससे ज़्यादा मेरा काम मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, किसी भी आर्टिस्ट के लिए होगा, एवरीवन विल अग्री हियर। सो वो प्रेशर नहीं था कि प्रोड्यूसर के साथ काम कर रही हूँ, मैं एक आर्टिस्ट के साथ काम कर रही हूँ। और ये भी नहीं था कि उन्हें कम एक्सपीरियंस या फर्स्ट परफॉर्मेंस है, तो हर एक चीज़ में उनको मैं नो सजेस्ट करती रहूँ, क्योंकि ही वॉज रियली गुड। जैसा मैंने आपको बोला, ही सच अ डिसेंट एंड अ वेरी काइंड मैन, कि काफ़ी सीन्स में हम लोगों को हाथ पकड़ने होते तो ही यूज टू शिवर, यूज टू लिटरली शिवर, इतना ठंड पड़ जाता था उनका हाथ। सो ऑब्वियसली उस वक्त एज अ को आर्टिस्ट मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि उनको सूद आउट करे, बट एब्सोल्युटली कम्फर्टेबल वर्किंग विथ हिम। ही टर्नड आउट टू बी जस्ट लाइक अ फ्रेंड इन द एंड ऑफ द डे, एंड वी स्टिल बिहेव लाइक फ्रेंड्स, है ना सर? वी आर मोर लाइक फ्रेंड्स देन आई थिंक प्रोड्यूसर एंड एक्टर रिलेशनशिप। मुझे मैंने किसी को नहीं, किसका डरिंग है, और मुझे ज़रूरत भी नहीं थी, क्योंकि डायरेक्टर अपनी अपनी जगह पे अपना काम, क्रिएटर डायरेक्टर परफेक्ट कर रहे थे, जिसकी वजह से उनको परफेक्ट पता था क्या करना है क्या नहीं करना है, तो डांट लगाने का सवाल ही पैदा नहीं होता। संजय सर, आप अपने कैरेक्टर के बारे में बताइए। मैंने पवित्र रिश्ता जो एक सीरियल थी सुशांत सिंह राजपूत के साथ इंस्पेक्टर किया था, तो उसके DOP थे मंदार चोनकर, तो उन्होंने बोला कि संजय एक रफ टफ इंस्पेक्टर चाहिए जो सामने वाले को खा सकता है एक्टिंग में। और मैंने काम किया डैडी वगैरह फिल्म वगैरह आपने देखी होगी अर्जुन रामपाल की, जिसमें MLA मात्रे था, अभी भी आई थी लुट के स्कारटेल। तो जब मैं पूछा शूट कहाँ पर है, बोले कल्याण में होगी शूट। बोले कल्याण में कौन यार, मुझे क्योंकि ज़्यादातर से शूटिंग यहाँ पे होती। तो जब गया या अभिजीत सर मिले, मनोज सर मिले, तो अपन जब स्क्रिप्ट आती है ना, सामने वाले का डायलॉग ऐसे ये सीन अपन खा जाएगा भाई, नहीं दिमाग में बैठ कर बिठा के अपन काम करना शुरू करते। और जब इनके साथ सामने आया, जब शेखर जी सर के सामने, तो लगा नहीं क्या ये आर्टिस्ट यार, ये नया भी है, ऐसा कुछ लगा ही नहीं। वो बिंदास बोलते गए और मैं वो डायलॉग बोलते गए, बोले सर आपने अच्छा किया काम एकदम परफेक्ट। और अभिजीत सर डायरेक्टर, ये मनोज सर, उन्होंने एकदम सीन एक बार समझाया, सर आपको आप वो इंस्पेक्टर नहीं है जो किसी को मारते हैं वगैरह, ऐसा नहीं है, आप एकदम पोलाइटली है जो उनके उनके लिए काम कर रहे हैं। तो अच्छा लगा वो उस दिन जो किया, मुझे लगा यार एक दिन का ही काम है यार, चार पाँच दिनों में तो और मजा आता। लोग अच्छे मिलते हैं, अच्छे लोगों के साथ काम करने में मजा आता है। उनकी ख्वाहिश है उनके ऊपर तो मैं क्या कर रहा हूँ इधर, अभी भी आ रही है वेब सीरीज कार्टेल 100 वगैरह भी देखी होगी, रॉकेट बॉयज करके जो आ रही सेकंड पार्ट, उसमें मैं चीफ मिनिस्टर ऑफ महाराष्ट्र यशवंतराव चव्हाण जी का कैरेक्टर मैं कर रहा हूँ। वाह, क्या कर रहे हैं आपका कैरेक्टर क्या है, प्लीज दो लाइन, दो ही लाइन बोलना प्लीज, दो लाइन। मेरा कैरेक्टर जो है प्रिया नाम का है, और प्रिया की कास्टिंग करते वक्त मुझे ये सवाल पूछा गया था कि मैम डू यू नो स्विमिंग, सो किसने पूछा था सवाल, यस द होल एंड सोल अभिजीत सर ने मुझे ये सवाल पूछा था कि डू यू नो स्विमिंग, तो मैंने कहा था हाँ, बट थैंक्स टू हिम कि उसने बोला नहीं कि स्विमिंग करके बता, बट इट वॉज गुड, आई वॉज कास्टेड, आई वॉज हैप्पी। मुरबाड़ करके प्लेस पे ये लोकेशन था और ये फिल्म शूट हुई 4 days में, 4 भी नहीं, 4.25 या ऑलमोस्ट दिनों में ये फिल्म शूट हुई, और इट विल बी ग्रेट
एंड वी आर प्लीज्ड कि ये फिल्म है OTT पे आने वाली है. कोई ऑप्शन सर, कौन से OTT पे आएगी? ऑलमोस्ट सभी पे आएगी सर. सीरियल से यहाँ से यहाँ तक का सफर जो है, फिल्म का सफर कैसा रहा, क्या एक्सपीरियंस शेयर करना चाहिए? सर फिल्म्स मैंने सीरियल से भी पहले की हैं बहुत सारी, तो लेकिन सीरियल ज़्यादा की है. 12+ सीरियल्स आई हैव बीन वर्किंग इन करेंटली. मैं कुछ नाम बताना चाहूँगी. नाम है बाड़ू मामा, नवनाथ, स्वामी समर्थ और बहुत सारे सीरियल्स हैं जिसमें मैं काम कर रही हूँ. जी मराठी की, कलर्स मराठी की. और हिंदी का सफ़र पूछना चाहते सर? अच्छा रहा सफ़र. बहुत सारे ऑडिशंस देने पड़ते हैं पहले, तो जीरो से शुरुआत की है मैंने हिंदी में भी और मराठी में भी. मराठी का मेरा सबसे फेवरेट गाना है या फिर सबसे हिट गाना है डिम्पल ये तय गालावर. आप लोग गूगल कर सकते हैं मेरा नाम, सारी चीज़ें आप देख सकते हैं. इसके अलावा और भी कोई प्रोजेक्ट आप कर रहे हैं अभी इस फिल्म के बाद? यस, मैं अभी हिंदी सीरीज कर रही हूँ हनी नाम की, HONEY. सो ये भी आप लोग देख सकेंगे OTT पे. मेरा क्वेश्चन है मनोज जी से. एक्चुअली तो मुझे लगा कुछ हो सकता है. फर्स्ट मीटिंग में उनको देखा तो बोलो हाँ ऐसा कुछ है बंदा, उसमें कुछ है, वो कर सकता है. तो मैं स्क्रिप्ट चालू किया, जैसे चालू किया मैंने तो मुझे बहुत अच्छा लगा. धीरे 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 वो जो लाइनअप हो रही थी, उसके बाद कास्टिंग आ रही थी, मज़ा आ रहा था. फिर प्लानिंग हुआ, फिर डिसाइड हुआ हमारा कि करना है. उसके बाद फिर मेरे दोस्त अभिजीत, उन्होंने सपोर्ट किया मुझे, और मेरे सर है विनायक सबकाल, उनका बहुत बड़ा इसमें हाथ है. उनकी वजह से आज ये प्रोजेक्ट पूरा हुआ है और सब लोग अच्छे मिले टीम और ये सक्सेसफुल. तो आपने सारे गॉड गिफ्टेड लोगों को किया? या गॉड गिफ्टेड, सब गॉड गिफ्टेड, सबसे बड़े गॉड गिफ्टेड. So one request, can you please be seated? Sir, बोल ले, तूने बोला. नहीं नहीं, सर सांगा तुमने. सर आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? सर मेरा ज़्यादा एक्सपीरियंस होता. हाँ मेरा तो बता दिया. अलग एक्सपीरियंस था, टीम अच्छी थी, सबका सपोर्ट था, तो अच्छा ही होगा सब. सर आप क्या कहना चाहेंगे, कैसा शुभकामना रहेगा फिल्म के लिए आप? सर हालांकि ये फिल्म बनाने के टाइम हम लोग जो पहली फिल्म बना रहे थे और जाने के पहले थे, हम लोग 12:30 को वहाँ पे पहुँचे. लेकिन 12:30 पे पहुँचने के बाद भी बहुत दिन 13 शॉट कंप्लीटेड किया अभिजीत सर ने. सीन्स 13 सीन जो कंप्लीटेड किए बहुत ही ज़बरदस्त थे, क्योंकि उन्होंने रात को 12 बजे तक एक शॉट चालू रखा था और उनका टाइमिंग, उनका जो परफेक्शन है वो बहुत ही सही है. हालांकि उन्होंने 4 दिन के बाद में, शूट ख़त्म होने के बाद में एक हमको बताया था कि इसका जो ट्रीजर है वो लक्ष्मी पूजन के दिन में वो रिलीज़ करे, और उन्होंने वही टाइप में वो लक्ष्मी पूजन के दिन, तो इसका टाइमिंग जो है बहुत ही सही है. हमारे जो मनोज जी है, उसके बाद में जो सभी कलाकार लोग हैं, उन्होंने बहुत ही अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया. लास्ट के दिन हम लोग 2:30 बजे तक वो जो जंगल में सीन किया वो अभी भी मुझे याद आ रहा है. और सही में हमारे जो मेन आर्टिस्ट है केलकर जी, उन्होंने हमको इतना सपोर्ट किया और हमको ऐसा लगा भी नहीं कि हम लोग वहाँ पे फिल्म में काम करें. बहुत ही एक फ्रेंडशिप का एक जो एंजॉयमेंट था सब. हाँ जैसे हम लोग पिकनिक पे आए वो टाइप में हमारे पिक्चर की शूट हो गई, मजाक मजाक और इसीलिए वो 4 दिन में खत्म हो गई. ये भी आपको बताता हूँ. तो इसका एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा. आगे भी सभी टीम बोल रहे क्या एक अच्छी फिल्म और बनाने का हम लोग का प्रयास रहेगा. मेरा एक्सपीरियंस बताता हूँ. मेरे लिए जब इन्होंने ये कैरेक्टर बताया तो पहले तो मैं इनसे कहा कि सर तबीयत ठीक है ना आपका? बोला ये मुझे कैसे जमेगा? अरे कर लोगे सर. मैं बोला क्या कैरेक्टर, मतलब कैरेक्टराइजेशन क्या है? तो इन्होंने मुझे विनोद खन्ना जी का एक फोटो भेजा, दयावंत का. बोला अरे मस्त है, यही गेटअप है. बोला ऐसा तो कैसे होगा? तो पहले दिन मैं खुद कंफ्यूजन में था कि मैं कर पाऊँगा नहीं कर पाऊँगा. फिर तो आपने अभी देखा है मुझे, तो मैं वैसे कभी कैसे रहूँगा. तो जुगाड़ बैठ गया और कैरेक्टर हो गया. आप विलन हैं फिल्म में और क्या उम्मीद है आपको अपने कला से? मैं मराठी सीरियल में छोटा सा रोल करता था, तो वही कॉन्टेक्स्ट से अभिजीत सर से मेरा मिलना हुआ और उन्होंने बोला कि ऐसे ऐसे हम फिल्म बना रहे तो आपका विलन का काम है उसमें.
मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था हिंदी में कि मैं उनको मैं खुद बोलना बोला कि मैं बन सकता हूँ क्या, ये कर सकता हूँ क्या, और उन्होंने जो मेरे से काम करा के लिया और मतलब इनका जो लुक था तो वो अलग ही था इनका लुक, क्योंकि मैं पसंद वही करता हूँ लुक, मतलब एज जस्ट नंबर ना, एज नंबर है खाली, तो लाइफ में एकदम स्टाइल से जीने का। क्या बात है। और जो मुझे सपोर्ट किया टीम ने पूरा रुद्र की, ओ मतलब ऐसा लगा ही नहीं कि जिधर में गलत हो जाता था उधर इन लोग ऐसा संभाल के लेते थे कि नहीं कैप्टन अच्छा रहेगा तो टीम मैच जीत लेती है। हमारे धोनी साहब जैसे, अभिजीत सर और केलकर सर जैसे रहना, और मतलब पूरी टीम ही अच्छी थी, टीम वर्क बहुत अच्छा था, तो थैंक यू वेरी मच। आप क्या कहना चाहेंगे? बहुत अच्छा लगा जब पहले दिन एक ही दिन का कैरेक्टर था, तो जैसे ही पहुंचा, जैसे अनिकेत सर को देखा तो बोला चलो भाई कोई तो पहचान वाला है, ताकि थोड़ी तो गुफ्तगू कर सके जिनके साथ, क्योंकि लक्ष्य में इनके साथ किया हुआ था। और लगा नहीं बाद में कि मैं किसी अलग प्रोडक्शन हाउस में या अलग इसमें काम करने आया हूँ वगैरह ऐसे। जब अभिजीत सर ने बताया कि भाई तैयार हो, मैं बोला सर आई एम रेडी, कभी करना है बोलो, आप भी करना है तो चलो, मुझे ड्रेस वगैरह जो है वो आप बताओ, मैं पहन के आके दिखाता हूँ और हम लोग शूट चालू करते हैं। बोले नहीं नहीं ऐसे नहीं, अभी रुको, आज रात को आपका नहीं है, सुबह आपका शूट करके लेंगे हम। और जैसे ही सीन सर ने मुझे बताया कि भाई सर आप यहाँ बैठे हो और ये ऐसा ऐसा सीन जाने वाला है, बस सर ने जैसा बताया वैसे करते गए। अभी देखिए मेरा कैरेक्टर रहीम चाचा करके किया हूँ। सब एक्चुअली ऐसा है कि डांस बार क्या होता है, सबको लगता है डांस बार है, जो जो लड़कियां काम करती है उनका माहौल क्या होता है, लेकिन हमने देखा है कि बाबा वो लोग करती है वो अपने फैमिली परिवार के लिए करती है, उसमें ऐसा बंदा होता है जो रिस्पेक्टेड, जैसे हमारे अगर वो डांस बार के ऑनर है, इसका ये मतलब नहीं कि वो कुछ भी करे, किसको भी वो चल काम कर निकल, ऐसा नहीं, रिस्पेक्टेड, वो अपने हर बंदे को हर वर्क को अपने घर का परिवार समझते हैं। उसमें हमने एक ये दिखाया कि एक कि हम लोग कोई छोटे बड़े नहीं होते, जो बंदा अपने पेट के लिए काम करते हैं कोई भी काम हो उस पर रिस्पेक्ट होना बहुत ज़रूरी है। और डांस बार में ऐसे बंदे हैं जो सिटी लोग जो रिस्पेक्टेड है, लड़के से रिस्पेक्ट से बात करते हैं, उनका कुछ प्रॉब्लम तो प्रॉब्लम क्रिएट वो सॉल्व कर, वो प्लानिंग था, वो हिसाब से हमने स्टोरी बनाई है। इसमें दिखा है कि वो डांस बार में ऐसे लोग है अभी भी जो वर्किंग जो लड़कियां काम कर उनको रिस्पेक्ट दे रहे, उसके उसके उनका घर चल रहा है, ये सब। सर सर नए आइडिया पर फिल्म बनती है, नए स्टाइल पर फिल्म बनती है, तो आप सभी इसको बहुत अप्रिशिएट भी करते हैं और जनता को भी इंतज़ार है नई चीज़ का, तो मुझे लगता है कि बहुत ही नया सब्जेक्ट है, बहुत ही नई बात है। मराठी और हिंदी दोनों भाषा में बन रही है सर, होगी अलग अलग भाषा में, ओटीटी भी बहुत सारे लैंग्वेज में रिलीज हो रही, तो मुझे लगता है कि बहुत ही खुशी की बात है। और आजकल ओटीटी पे तो मुझे लगता है कि वरदान साबित है, ओटीटी पे फिल्म बना के डाल सकते हो, शॉर्ट फिल्म बना के डाल सकते हो, हमने भी एक फिल्म बनाई है वो भी गाली गलौज फिल्म आ रही है, जिसका अमोल जो है ये पीआरओ कर रहा है, पीआरओ मतलब वैसा ये डायरेक्ट ओरिजिनल डायरेक्टर है ये, लेकिन अपनी तरफ से जैसे विचार करते रहते हैं, हाँ भावना को समझता है, लेकिन आप सब लोगों का आशीर्वाद चाहिए। गाली गलौज फिल्म कहानी गाली गलौज में फिल्म में गाली गलौज नहीं है, जैसे गजनी फिल्म में गजनी विलन है, वैसे हमारी फिल्म में गाली गलौज विलन है, साफ सुथरी फिल्म है, वो भी जल्द आ रही कॉमेडी फिल्म में, लेकिन ऐसे ही नए नए आइडियाज़ पर हम लोग सभी फिल्म बनाते रहते हैं, क्योंकि जो जैसे कह सकते हैं कि एक बजट फिल्म जिसे लेके शुरू करते हैं हम लोग, तो कोशिश करते हैं कि यार अगर फिल्म में बहुत बड़ा स्टार कास्ट नहीं तो कम से कम कहानी हटके हो, कहानी एंगेजिंग हो, हालांकि बहुत बड़े स्टार को भी कहानी ही चाहिए, लेकिन वो मानते नहीं है बात को, वो खुद अपने आप में कहानी मानते अपने आप को। तो जैसे किसी ने कहा था ना कि अलादीन फिल्म फ्लॉप क्यों हुई और कहानी फिल्म चली क्यों, तो लोगों ने कहा था कि अलादीन में कहानी नहीं थी और कहानी में अलादीन नहीं थी। तो इस वजह से कि अगर आप अलादीन भी बना रहे तो भी कहानी चाहिए, और कहानी बना रही है तो उसमें
कहानी की जरूरत, फिर किसी अल्लाह की जरूरत नहीं है। मैं समझता हूँ कि बजट फिल्म वालों ने जो सोचा है और अच्छा सोचा है, कहानी पर जोर दिया है, कैरेक्टराइजेशन पर जोर दिया है, आम शोर आपको बहुत पसंद आएगी। मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं, भगवान करे जो फिल्म की लागत है उससे 100 गुना ज़्यादा कमाएँ, ताकि आप पार्ट 3 बनाते। थैंक यू।